क्या हो सोल ने ओमेगा लाइनअप डिस्पैंड करके गलती करी है ओनर्स बोलना नॉट टिपिकली नहीं यार बिकॉज uh, मैं वहाँ था बी एम पी एस के अंदर एंड पहले दो दिन पे लाइक दे प्लेड लिटरली बैड इतना बुरा मैंने खेलते नहीं देखा उनको छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे वो ऐसी गलतियाँ आती है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े स्तर पर आने के बाद तो वहाँ से थोड़ी परेशानियाँ बढ़ी बट पर साथ ही साथ जो लैन इवेंट्स पर रिकॉर्ड रहा है uh, इस लाइनअप का वो इतना अच्छा रहा नहीं है मेरे ख्याल से वो भी एक रीज़न हो सकता है बट जो उन्होंने लाइनअप ली है अगर वो किसी ऐसी लाइनअप को लेते जो अनएक्सपीरियंसड होती तब मैं कहता शायद गलती कर रहे हैं बट ब्लाइंड जैसी लाइनअप को लेना अपनी टीम में एंड ब्लाइंड अगर खेल जाती है तो ब्लाइंड इज़ अ विनिंग लाइनअप ब्लाइंड एक देखो कैसे है ना घोड़ों की रेस अगर होती है उसमें एक ऐसा रे, रेसर होता है एक ऐसा घोड़ा होता है जो हर बार जीतता है उस घोड़े पर पैसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ब्लाइंड इज़ दैट काइंड ऑफ अ हॉर्स जो विनिंग हॉर्स साबित हो सकता है स्वीरो भाई एक क्वेश्चन अगर ई एस एल सैमसंग स्पॉन्सर्ड है और सोल आइको स्पॉन्सर्ड है तो क्या ई एस एल अराव करेगा सोल को जर्सी पहन के खेलने और जस्ट आई को जीत रहे सैमसंग के टूर्नामेंट में आयुष यार ये मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि अगर उनके जर्सी पे ही लिखा हुआ है देखो अमूमन क्या होता है इवेंट्स में जर्सी वहीं से दी जाती है आजकल इंडिया में यही हो रहा है आप खुद की जर्सी नहीं पहन के जाते हो तो अगर उनका गेम के अंदर नेम टैग है आइकोसोल तो वो कोई चेंज नहीं करा सकता वो आइकोसोल ही रहेगा वो ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर्स हैं सबको पता है कि ऑब्लिगेशन होती है तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम